नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्पीक अर्बन इंग्लिश में। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है गाइस वाक्य के अलग अलग भाग। वाक्य के जितने भी शब्द होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, जैसे कि संज्ञा, विशेषण, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो गाइस, ये मैंने आपके सामने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिए हैं। सो देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज गाइस। तो याद रखिएगा 8 पार्ट्स होते हैं। तो आइए इनका मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं। तो एक एक करके हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, आइए। तो गाइस, पहला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं गाइस संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी भी प्राणी, वस्तु या जगह के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए दोस्तों, राज एक लड़के का नाम है, प्रिया लड़की का नाम है, डेली, ये सब आपका आ जाएगा नाउन के अंदर। सेकंड जो चीज़ है गाइस वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहते हैं आप सर्वनाम। सर्वनाम का यूज होता है गाइस नाउन की जगह पे। जैसे कि एग्जांपल दूं, इट, ही, शी, ये सब आते हैं गाइस आपके प्रोनाउन के अंदर। इन सारे टॉपिक्स के बारे में गाइस हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा हूं, तो एक ओवरव्यू दे रहा हूं सबका। थर्ड जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है गाइस क्रिया। वर्ब कहते हैं जैसे आप इंग्लिश में। तो वर्ब क्या होती है? कोई भी काम करना, उसे आप क्रिया कहते हैं। मान लीजिए डांस, म्यूजिक, प्लेइंग, ये सब हमारे क्रिया के एग्जांपल है। अगला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है गाइस वो है एडजेक्टिव, जिसे आप हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है दोस्तों? विशेषण वो होता है जो हमें क्वालिटी बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की गाइस। तो एडजेक्टिव टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन और सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या कोई हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो वो होता है आपका विशेषण गाइस। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, सौरभ इज अ गुड बॉय। अब सौरभ इज अ गुड बॉय, सौरभ कैसा लड़का है? गुड। तो गुड यहाँ पे क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव। तो एग्जाम्पल इसके हो गए गुड, या मान लीजिए बैड, या मान लीजिए मैड, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी एडजेक्टिव। अगला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है गाइस वो है एडवर्ब, जिसे आप हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। ये भी विशेषण ही है, बट ये क्रिया विशेषण है। जैसे विशेषण क्वालिटी बताता है हमें नाउन और प्रोनाउन की, वैसे ही क्रिया विशेषण हमें क्वालिटी बताता है गाइस क्रिया की, या एडजेक्टिव की, या किसी और एडवर्ब की। सो एडवर्ब टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ एनी वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन तीनों चीज़ों की जो क्वालिटी बताएगा वो होगा क्रिया विशेषण। अब मान लीजिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, माई कैट ईट्स स्लोली। तो यहाँ पे कैट कैसे खाती है? स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया आपका? एडवर्ब। इसी तरह इसके एग्जाम्पल हो गए स्लोली, फास्टली। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, प्रिया रन्स क्विकली। प्रिया कैसे भागती है? क्विकली। तो क्विकली क्या हो गया आपका? एडवर्ब। तो अगला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है गाइस वो है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस अगर आप नाम से ही देखेंगे, प्री प्लस पोजिशन, तो कोई भी चीज़ अगर हमें पोजिशन बता रही है तो वो होता है प्रीपोजिशन। पोजिशन किस चीज़ की बता रही है? नाउन और प्रोनाउन की गाइस। तो इसका मतलब प्रोनाउन या नाउन की जो हमें पोजिशन बताएगा वो होगा आपका प्रीपोजिशन। और प्री लगा हुआ है तो ये नाउन या प्रोनाउन से आगे ही लगता है, पीछे नहीं लगेगा कभी भी, नाउन प्रोनाउन के आगे लगेगा। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, द शूज़ आर केप्ट बिलो द टेबल। तो यहाँ पे शूज़ कहाँ रखे हुए हैं? बिलो द टेबल। तो बिलो क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन। इसी तरह अंडरनीथ हो गया एक आपका इसका एग्जाम्पल, अबव हो गया। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं गाइस प्रीपोजिशंस के। तो अगला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है गाइस वो है कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस होते हैं गाइस जॉइनिंग वर्ड्स, जो वर्ड को वर्ड से, सेंटेंस को सेंटेंस और क्लॉज को क्लॉज से ज्वाइन करते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। तो राम और श्याम को जो कनेक्ट कर रहा है एंड, ये हो गया आपका कंजक्शन गाइस। तो इसी तरीके से एंड हो गया आपका, बट हो गया,
बिकॉज हो गया, ये सारे आपके आते हैं कंजक्शंस में। अगला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है गाइज वो है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? दे एक्सप्रेस फीलिंग्स। ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक लड़की है प्रिया जो कि 90% स्कोर करती है, तो आप क्या कहेंगे उसे? वाओ प्रिया तुमने 90% स्कोर किया। तो वाओ वाओ क्या हो गया आपका? इंटरजेक्शन। इसी तरह हुर्रे, ये भी आपका इंटरजेक्शन हो जाता है। इंटरजेक्शन के बाद गाइज ये जो होता है, ये मैंने आपको पुराने लेसन से बताया था, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स जिसको नहीं पता वो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकता है, पंचुएशन मार्क्स वाली। तो गाइज ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को ये कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को ज़रूर मिला होगा। जो भी अगर कोई डाउट है तो वो आने वाले वीडियोज़ में हम वो भी क्लियर कर देंगे। तो गाइज ये था हमारा आज का लेसन, मिलते हैं अगले लेसन में, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।